नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लेकर के आई हूँ। कौन कौन सी जो अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्थाओं के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उस अवस्थाओं में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। और एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर मेरी आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की और वीडियो देखना हो, जैसे आपका एबॉर्शन के टाइप्स कितने हैं और बच्चे कैसे निर्माण कैसे होता है, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं और ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन की क्रिया, ये सारा मैंने SPL स्टडी पर, SPL स्टडी या SPL संगीता गुप्ता के नाम से आप सर्च करोगे, उसमें मेरी वीडियो बाल विकास में पड़ी हुई है, कई वीडियो हैं जिसमें आपके आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप देखेंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसमें हम क्या है कि किस लिए हम करते हैं इसका अध्ययन, या किस अवस्थाओं में कौन कौन से जो गुण होते हैं ये हमारे लिए क्या लाभदायक है। सबसे पहले ये है कि विकास के अध्ययन के लिए कौन कौन से जो विकास की जो अवस्थाएं होती है उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं पहले से पता चल जाएगा, तो बच्चों में उस चीज को हम देख सकते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, समायोजन में सहायक। समायोजन का मतलब कि यदि कमी हो तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, यदि उसमें और मतलब कि कुछ कमियां हो तो उसको सुधार किया जा सकता है, तो ये समायोजन के लिए भी सहायक होता है। और माता पिता के लिए निर्देशन में भी सहायक होता है कि किस उम्र का बच्चा है और उसको क्या जरूरत होती है, क्या उसकी नीड है और कैसे उसको हम सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें का पता हमें मतलब पहले से जानकारी होती है तो उसका हम अपने जीवन में या अपने बच्चों के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें जो अवस्थाएं हैं, पहला सरसों अवस्था, दूसरा आपका बेबीहुड यानी इन्फेंसी स्टेज, बेबीहुड स्टेज, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेट चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड, फिर लास्ट में वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं हैं। इसमें आपका है सहसोवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। देखिए इसमें मैंने 3 डिफिनेशन मिलाया जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये जो सहसोवस्था होता है, हरलाक ने क्या कहा है कि ये 0 से 15 वर्ष तक होता है। कितना? 0 से 15 वर्ष की अवस्था होती है वो सहसोवस्था होती है। और कुप्पू स्वामी ने कहा कि 0 से 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो सहसोवस्था होती है, जबकि क्रो और क्रो ने कहा कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था सहसोवस्था होती है। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है जिसको मैंने यहाँ पर बताया। अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं, इसमें विशेषताओं का मतलब उसके अंदर क्या क्या गुण पाया जाता है। तो इमैच्योरिटी का मतलब इसमें अपरिपक्वता होता है, जो बच्चा होता है पूरी तरीके से अपरिपक्व होता है, वो माँ के ऊपर डिपेंड होता है। और इसमें डिपेंडेंसी का मतलब वो आत्मनिर्भर होता है किसी दूसरे के ऊपर जो उसको केयर करता हो, चाहे वो माँ हो चाहे कोई उसका संरक्षक हो। इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, इंस्ट्रक्टिव का मतलब उसकी जो मूल वृत्ति की मूल वृत्तात्मक जो व्यवहार होते हैं, जैसे रोना, हंसना, चिल्लाना, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो बच्चा इस अवस्था में करता है। पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, ये क्वेश्चन आता है कि पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो है आपकी सहसोवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा इन्वायरमेंट से और मतलब कि जो आपकी इन्वायरमेंट में जितनी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, CO2, यानी जो इस तरीके से जो पहले जो पेट के अंदर जो माहौल और इन्वायरमेंट होता है वो बाहर आने पे उसमें चेंजिंग होता है, तो उसी को एडजस्ट करने के लिए वो रोता है या उसको एडजस्ट करने की वो कोशिश करता है, तो वो क्या है आपका पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं किसको, सहसोवस्था को। और इमोशनलिटी यानी इसमें भावना ज़्यादा पाई जाती है, यानी भावनात्मक जो व्यवहार होता है वो बच्चों में ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट, बेबीहुड स्टेज, ये 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें जो होता है बच्चा जो कुछ क्रिटिकल स्टेज होता है, यानी इसमें कुछ क्रिटिकल स्टेज होता है जिसमें डेंजरस यानी कुछ बच्चा कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिसके उसके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, तो इसीलिए इसको क्रिटिकल स्टेज, डेंजरस स्टेज, सेल्फ सेंटर्ड यानी इसमें केवल अपने ही ऊपर अपने ही बारे में जानकारी लेना, अपने ही चीज़ों के लिए मतलब रोना या कुछ चीज़ पाने के लिए अपने लिए कुछ पाने के लिए झगड़ना करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसकी सेल्फ सेंटर्ड, इसको कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग, यानी इसके अंदर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सोशल फीलिंग की भावनाएं आ जाती है जिससे अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करना, जिससे उसको कोई गोद में उठा ले, उसको कोई प्यार कर ले, इस तरह की भावनाएं उसके अंदर सोशल फीलिंग वो बेबीहुड में आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें इस एज को मोस्टली रूप से
जो है प्रॉब्लम इस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो माता पिता के व्यवहार जैसा होता है बच्चे के प्रति, या जैसे माता पिता के व्यवहार करते हुए देखता है बच्चा, वही चीज़ें वो सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, और कोई समस्याएं होती है तो उसको वो पूछने की भी कोशिश करता है। तो ये प्रॉब्लम एज होती है। प्री स्कूल एज होती है, यानी जैसे बच्चा स्कूल तो नहीं जाता है, 5 साल के बाद ही जाता है। अब आपका प्री गैंग एज, यानी इसमें समूह में नहीं रहना पसंद करता है, बल्कि वो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता है। अकेले में मतलब बहुत समूह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। अब स्टेबिलिटी एंड पीस, यानी इसमें बच्चा स्थिर रहता है और शांत रहता है, किसमें? अर्ली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट आते हैं लेट चाइल्डहुड, ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसी को एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, यानी इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है और स्कूल, इसीलिए इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं 6 से 12 को। और इसी को देखिए कितने नाम से जानते हैं, गैंग एज, स्मार्ट एज। गैंग एज का मतलब इसमें बच्चा समूह बनाकर समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है, समूह के साथ रहना, खाना पीना खेलना, इसीलिए गैंग एज इसी अवस्था को कहते हैं। स्मार्ट एज, डर्टी एज, यानी इसमें बच्चा गंदा रहता है, इसमें उसको अपने शरीर की केयर उतना नहीं रहता है। मोरोन एज में, यानी इसमें उसकी बुद्धि जो होती है छीड़ होती है, छीड़ होने का मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग या किसी चीज़ को बहुत डीपली वो सोचने की कोशिश नहीं करता है। आप इसमें देखिए, इसमें हरला की परिभाषा है कि जो बच्चा होता है इस अवस्था में अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता, कहने का मतलब इसमें उसके सामने जो चीज़ें होती है वो छड़ी निर्णय ले लेता है, इसका जो क्या परिणाम होगा ये उसको ध्यान नहीं देता है। अब आपका आता है एडोलसेंस, इसी को टीन एज के नाम से भी जानते हैं, प्यूबर्टी एज यहीं शुरू हो जाती है आपकी, जिसमें जो मतलब कि कह सकते हैं संपूर्णता की ओर इसमें बढ़ते हैं, और एडोलसेंस का मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना, और जसवीर की परिभाषा है क्या कि जो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ना ही किशोरावस्था कहलाता है। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ना ही किशोरा अवस्था कहलाती है। अब इसमें जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसमें झंझावत तूफान की अवस्था को कहते हैं इसमें, क्योंकि बच्चा इसमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, और इसमें निर्णय भी लेने में उसको समस्याएं होती हैं, और इसमें कामुकता की जो भावनाएं होती है, यानी हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल की भावना इसमें ज़्यादा हो जाती है, यानी विषम लिंग की जो आकर्षण होता है हेट्रोसेक्सुअल, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसमें शरीर में शारीरिक मानसिक परिवर्तन आते हैं, समस्या इसमें होती है निर्णय लेने में, और सामाजिक सेवा की भावना इसमें उत्पन्न होती है, और स्वप्रेम की भावना भी इस अवस्था में उत्पन्न होती है। अब आते हैं एडल्टहुड, जिसको हम कहते हैं जो 40 से 60 एज होती है इसमें, और इसमें जो है परिपक्व हो चुकी अवस्था को कहते हैं, यानी इसमें पूरी तरीके से व्यक्ति परिपक्व हो चुका था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी रहती है, इसी को कहते हैं संपूर्णता को प्राप्त कर लेना। अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो व्यक्ति होता है वो समायोजन, अब देखिए समायोजन आपका सरस्वस्था में भी समायोजन था, यहाँ भी समायोजन, यहाँ पे जब मतलब कि एक अपनी फैमिली में जीवन बिताने लगता है अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब कि एक बिग फैमिली के साथ जो जीता है, तो उसमें उसको समायोजन करना पड़ता है फैमिली में अपने बच्चों के लिए अपने लिए, तो उसमें समायोजन की भी समस्या उत्पन्न होती है। और आत्मनिर्भर इसमें व्यक्ति जो है सेल्फ डिपेंड हो जाता है, यानी वो स्वरोजगार कह सकते हैं एक तरीके से, आर्थिक रूप से समायो मतलब कि आत्मनिर्भर हो जाता है। अब है उपलब्धियाँ इसे प्राप्त कर लेता है, इसमें जो सामाजिक संबंध है और जो पारिवारिक रिश्ते हैं इसमें काफ़ी मजबूत होता है, इसमें व्यक्ति अपना निभाने की कोशिश भी करता है। अब लास्ट है आपका वृद्धावस्था, जो 60 से अधिक ऊपर की एज होती है, इसमें शारीरिक विघटन की ओर, यानी जो उसका शरीर होता है वो काम करना धीरे धीरे कम करने लगता है, उसकी जो शरीर के जो अंग होते हैं, और इसमें जो मानसिक क्रियाओं में बदलाव होने लगता है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनने लगता है, और इसमें जो वृद्ध होते हैं उनको प्रेम की और जो है लगाव की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और वो इसमें दूसरे के ऊपर पुनः भी निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक विघटन होना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा क्या आपकी जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसमें सहस्वस्था, आपकी बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडल्टहुड, और लास्ट में आपका ओल्ड एज। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करिए और कमेंट में बताइए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और ज़रूर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप SPL स्टडी पर ज़रूर जाइएगा और उसको सर्च करिएगा। धन्यवाद।